हेलो एवरीवन इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बिग डिलेमा दैट इज़ डेली आंसर राइटिंग वर्सेस टेस्ट सीरीज़ बहुत बार देखिए स्टूडेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग कि सर शुड वी गो फॉर अ डेली आंसर राइटिंग और शुड वी गो फॉर अ फुल फ्लेट टेस्ट सीरीज़ तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग बोथ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द ऑप्शंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब किसको फॉलो करना चाहिए so before starting this I want to tell you about the PSI Club app if you haven't downloaded you should download it and right now we are running the three important courses that is one is the course on ethics which is run being run by ashwarya ma'am then is the foundational course and then we are also running a paper to be current affairs ka crash course yeah recently hai. but still if you want you can join this it also includes three tests which will be checked तो ऑन दिस नोट लेट लेटेस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन को इवेलुएट करते हैं दैट इज द डेली आंसर राइटिंग जिसको हम डॉ से भी रिप्रेजेंट करते हैं अब देखिए डेली आंसर राइटिंग सबसे पहली बात कब करनी चाहिए राइट तो डेली आंसर राइटिंग उनके लिए है जिन्होंने जस्ट दे हैव स्टार्टेड राइटिंग राइट इन द सेंस पहली बार जो आंसर लिख रहे हैं राइट सो बिफोर ज्वाइनिंग अ टेस्ट सीरीज आप क्या कर सकते हो एटलीस्ट कुछ आठ दस दिन डेली आंसर राइटिंग थोड़ा सा कर सकते हो या आपका जैसे कोर्स वगैरह थोड़ा सा स्टार्ट हो गया आपने लेटेस्ट सेवेंटी फाइव एट फोर्टी फिफ्टी परसेंट कोर्स कर लिया है तो ठीक है आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हो अब डेली आंसर राइटिंग करनी किसकी चाहिए डेली आंसर राइटिंग यू शुड बी डूइंग ऑफ सिंपल ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताकि इससे ये हो जाए यू आर एबल टू रिवाइज अगेन बिफोर सेटिंग इन टू अ टेस्ट सीरीज एंड आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उनके टॉपिक्स पता चल जाएंगे कौन कौन से आते हैं सो डेली आंसर राइटिंग को शुड बिगिन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंडली देखिए ये उन लोगों के लिए है जिनका गोल काफ़ी फार है गोल काफ़ी फार है मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग यू आर समन हु इज लेटेस्ट से इन कॉलेज राइट नाउ एंड एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेटेस्ट से द एग्जाम इज इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो आपके पास लगभग अभी पूरे पूरे दो साल हैं टू ईयर्स टू प्रिपेयर फॉर दिस तो फॉर इन दिस सिचुएशन इन दिस केस यू शुड बी गोइंग फॉर द डेली आंसर राइटिंग क्योंकि आप इट सेल्फ देखो इफ़ यू हैव ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड डेज लेटर एग्जाम और अगर आप एक से दो क्वेश्चन भी करते हो ठीक है लेटर से आप फोर हंड्रेड डेज भी करते हो तो भी आप एट हंड्रेड से वन थाउजेंड आंसर्स लिख लोगे विच इज़ मोर देन इनफ राइट विच इज़ मोर देन इनफ ठीक है तो डेली आंसर राइटिंग उनके लिए करनी चाहिए वेन द गोल इज वेरी वेरी फार राइट वैन जनरली जिनके पास दो साल का टाइम है कॉलेज में है राइट सेकेंडली देखिए डेली आंसर राइटिंग उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है जिनकी प्रिपरेशन ऑन एंड ऑफ फेज में चलती है ऑन एंड ऑफ फेज में जिनकी प्रिपरेशन चलती है तो इफ़ योर प्रिपरेशन इज ऑफ तो ऑफ से ऑन लाना चाहते हो तो स्टार्ट ऑफ विथ द डेली आंसर राइटिंग ठीक है एक एक कंटिन्यूटी से आपको क्या कहते हैं यू कैन यू कैन से एक एक ब्रेक से सॉरी कंटिन्यूटी में आ जाएंगे एंड टू टू आंसर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं तो ऑन एंड ऑफ प्रिपरेशन वाले लोग दे शुड बी गोइंग फॉर अ डेली आंसर राइटिंग बट समझिए इज डेली आंसर राइटिंग द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स द आंसर इज नो अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेली आंसर राइटिंग ही करते रह जाएंगे इफ़ यू हैव एंट रिटर्न अ टेस्ट सीरीज ट्रस्ट मी यू विल बी बाउंड टू फेल सिंपल रीजन क्यों तो उसका अब हम एनालिसिस करेंगे राइट तो ये हमने प्रोज बात कर ली डेली आंसर राइटिंग की कौन हमने डिस्कस कर लिया कि सिर्फ डेली आंसर राइटिंग से काम नहीं होता टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो राइट आप बात करते हैं सबसे पहली बात टेस्ट सीरीज कब देनी चाहिए राइट सो देखिए टेस्ट सीरीज को तभी लिखें जब तक आपके शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं हो गए हैं राइट right? अगर शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं है एंड इफ यू आर गोइंग फॉर सिंपली नोट्स पढ़ के टेस्ट सीरीज दे रहे हो इट्स नो पॉइंट गिविंग दर्स टेस्ट सीरीज क्योंकि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ दो होता है राइट द फर्स्ट इज कि जो भी आपने ये कंटेंट और शॉर्ट नोट्स याद किए हैं उसको आर यू एबल टू रिकॉल अंडर प्रेशर क्योंकि उस टाइम एक प्रेशर होता है एंड सेकेंड कैन यू फिनिश द पेपर ऑन टाइम यानी स्पीड वगैरह जो चेक होती है राइट right? वो आपकी टेस्ट सीरीज में एक आप कह सकते हो एक टाइप का एक टाइप का ड्रेस रिहर्सल होता है राइट वेन एवर वी यूज टू परफॉर्म इन इन कॉन्सर्ट इन स्कूल तो एक दिन पहले क्या होता था एक दिन पहले याद है देअ यूज़ टू बी अ ड्रेस रिहर्सल एंड दैट ड्रेस रिहर्सल में स्कूल के टीचर्स बैठते थे स्कूल के स्टूडेंट्स बैठते थे एंड देन नेक्स्ट डे क्या होता था द रियल गेम जहाँ पे पेरेंट्स आते थे राइट right? ऐसी तो होता था हम लोग के जो स्कूल के कॉन्सर्ट में होता था यही चीज यहां पे ड्रेस रिहर्सल टेस्ट सीरीज है ठीक है तो मकसद इज सो दैट यू कैन वर्क अंडर प्रेशर अंडर पैनिक आई यू एबल टू रिकॉल वो तभी पॉसिबल है जब आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हैं पीपल डू अ बिग मिस्टेक पीपल डू अग नोट ब्लंडर कि वो सीधे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते नोट्स पढ़ के दे देते दे हैं राइट एन नंबर वगैरह नहीं आते नहीं 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 टेस्ट सीरीज़ डजेंट हेल्प यू टू टू एनरिच योर कंटेंट वगैरह ऐसा कुछ गेम नहीं है कंटेंट आपका पहले से तैयार है ठीक है थोड़ा बहुत पॉइंट्स वगैरह एड ऑन सब ट्रैक कर सकते हो टेस्ट सीरीज से राइट बट मेजर ऑफ योर कंटेंट शुड बी रेडी तो जब आपका कंटेंट काफ़ी हद तक है एटलीस्ट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट रेडी है तभी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें एल्स इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एनर्जी एंड मनी एज वेल राइट देन उसके बाद यू कैन ऑल्सो ज्वाइन जस्ट आफ्टर द सिलेबस इज ओवर मैं तो कहता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं शॉर्ट नोट्स अपनी क्लास में ही बनवाता हूँ टाइम टू टाइम ठीक है तो जब तक आपका कोर्स कवर होगा तो सिलेबस के जस्ट बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो ठीक है राइट टेस्ट सीरीज देट देखिए उनके लिए है जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा था दैट द डेली आंसर राइटिंग वॉज फॉर द पीपल हु आर ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ प्रिपरेशन ठीक है बट टेस्ट सीरीज़ फॉर पीपल हु वॉन्ट टू कवर मेजर चंक ऑफ सिलेबस इन क्विक अमाउंट ऑफ टाइम यानी टाइम बाउंड सिलेबस कवरेज जैसे लेटेस्ट से अगर आपने टू मंथ्स की कोई पॉल साइंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी एंड अगर आपका हर दस दिन में एक टेस्ट हो रहा है तो दस दिन में क्या हो रहा है आपका पेपर वन हो जा रहा है देन नेक्स्ट दिन दिन वन पेपर बी हो जा रहा है दस दिन में आपका पेपर टू हो जा रहा है दस दिन में पेपर टू, हो में पेपर टू भी हो जा रहा है राइट एंड देन दस दिन में एक पेपर वन दस दिन में एक पेपर टू फुल लेंथ लो भाई छह टेस्ट दे दिए दो महीने में पूरा पी एस आई आर ऑन योर टिप्स राइट तो जिनको एक टाइम बाउंड कवरेज करना है सिलेबस का उनके लेटेस्ट सीरीज इज वेरी गुड देख चेक करनी, करनी है तो इनके लिए टेस्ट सीरीजोटेंट है।, सीरीज है, है राइट तो काफी बार आपने देखा होगा टॉपर्स वगैरह कहते हैं कि सर हमने तो जनवरी फेबर में वीवर राइटिंग टेस्ट ऑफ मेन्स कैसे क्या आप सर प्रिलिम्स के लिए नहीं पढ़ लेते क्या ठीक है ट्वेंटी परसेंट ही तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है थ्रू योर शॉर्ट नोट्स एंड देन जाके एक संडे को टेस्ट लिख दो राइट सो इसीलिए वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रिलिम्स इवन टिल मार्च इवन टिल अप्रैल लेटेस्ट से यू कैन राइट एटलीस्ट वन टेस्ट आप दस पंद्रह दिन में लिख सकते हो ठीक है राइट ठीक है अप्रैल के बाद मे वगैरह अगर उस टाइम में अप्रैल वगैरह में आप फुल फ्लेट छोड़ दोगे प्रिपरेशन बट एटलीस्ट टिल मार्च यू कैन प्रिपेयर थ्रू टेस्ट सीरीज क्योंकि टेस्ट सीरीज में डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि पूरे पूरे दिन आप ऑप्शनल पढ़ लो फोर स्ट्रैटेजी गलत है कि इसका मतलब आपके शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं है इसका मतलब आपका कंटेंट रेडी ही नहीं है राइट सो एट द एंड ऑफ द डे वॉट आई मीन टू से इज कि फर्रे रेडी होने चाहिए बिफोर गिविंग अ टेस्ट तो अगर आपसे कोई कहता है कि लेट अस से यू टेक अ प्लान ऑफ सिक्सटी डेज चार टेस्ट देने हैं मुझे पंद्रह दिन इंटू पंद्रह चौके साठ राइट देन वॉट आई कैन डू आई कैन सिंपली इन दो फिफ्टीन डेज रिवाइज माई छोटा छोटा फर्रा एंड आई कैन गिव अ टेस्ट लेट अस से ऑन संडे तो तीन घंटे का ही तो टेस्ट देना है बाकी टाइम फ्री के लिए पढ़ते रहो राइट तो द पॉइंट इज दिस इसीलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज आपको तभी ज्वाइन करनी चाहिए जब आप पूरा कंटेंट इज़ कंडेंस्ड एंड इट इज़ क्रिस्ड इन टू सम कॉन्क्रीट थिंग जिसको आप सिर्फ रिवाइज करके लिखोगे और वह मैं हमेशा क्लास में भी बनवाता हूँ बोलता भी हूँ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन एंड ऑल दैट थिंग्स कॉलर्स वगैरह वो सब आपको पता है दिस इज़ फॉर टेस्ट सीरीज ठीक है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंपल रीज़न फॉर द सिंपल रीज़न इज कि ये आपको एक्चुअली में पैनिक में कैसे काम करते हैं ये टेस्ट सीरीज़ आपको बताएगी। देर इज़ नो पॉइंट देर इज़ नो पॉइंट कि आप कोई और तरीके से इसको डेवलप कर सकते हो राइट बिकॉज वेन यू सिट इन दैट एग्जाम हॉल लाइक कंडीशन देर दे तीन तीन घंटे के टेस्ट देते हो देन ही आप एक्चुअल में डील कर पाते हो दैट इट हेल्प्स यू complete योर पेपर तो पेपर कंप्लीशन इट सेल्फ इज अ टास्क जो टेस्ट सीरीज़ में ही आपकी एबिलिटी को चेक करता है ये चीज़ डेली आंसर राइटिंग में नहीं होती राइट right? ठीक है डेली आंसर राइटिंग में यू डोंट रिक्वायर यू डोंट रिक्वायर टू टू बिल्ड योर शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं वो आप सिंपली थोड़ा बहुत पढ़ के भी लिख सकते हो राइट एटलीस्ट प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन को भी देख सकते हो बट दैट इज नाउ हाउ इट इज टू बी गिवेन इन एग्जाम एग्जाम लाइट अगर आपको कंडीशन रेप्लीकेट करनी है तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ठीक है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन आप कोर्स के जस्ट जज्बात भी कर सकते हैं अगर आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हैं एंड येस कोई इसमें ये नहीं है कि भाई प्रीली चल रहा है तो मैं बिल्कुल और मैं ऑप्शनल फेंक दूंगा नहीं नहीं शोर नोट रेडी है एंड दोस्त तुम्हारा तो पी ऑप्शनल है पी एस ऑप्शनल तो प्री के लास्ट डे तक पढ़ते हो लक्ष्मीकांत फंडामेंटल राइट्स प्रेम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या प्रेसिडेंट गवर्नर और आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एन सब आता है पी एस आई आर की टेस्ट सीरीज में भी ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें पी एस आई आर के पेपर में भी ये क्वेश्चन दिखेंगे राइट सो स्ट्रैटेजिकली आप पी एस आई आर लिए हो तो तैयारी करनी चाहिए